सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल आरएसपी वर्ल्ड पर, जहां पर हम लेके आते हैं आपके लिए ज्योतिष से रिलेटेड वीडियोस, रत्न और रुद्राक्ष से रिलेटेड वीडियोस। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि ग्रहों को खाने पीने की चीजों के माध्यम से भी मजबूत बनाया जा सकता है, उन्हें अपने पक्ष में अपने लिए स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। जी हाँ, खाने पीने की चीजों से। देखिए, जैसे कि हम दान करते हैं किसी चीज का, ग्रह की वस्तु का दान करते हैं, जैसे गुरु अगर अशुभ है तो हल्दी का दान करते हैं, या सूर्य अशुभ है, कुंडली में मारक है, तो हम वहां पे लाल चंदन का दान करते हैं या गुड़ का दान करते हैं, इसे खाने पीने की चीजों की बात करें तो जहां हम वस्तुओं का दान करते हैं वहीं पर हम इन वस्तुओं को खाकर भी ग्रहों को स्ट्रांग बना सकते हैं। एक प्रोसीजर है उसका, उस प्रोसीजर के माध्यम से हमें उसे बनाना है। तो देखिए, जो अलग अलग हमारे नवग्रह हैं उनकी अलग अलग वस्तुएं हैं, तो आपको किस तरीके से ये काम करना है। सूर्य और मंगल की बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि दोनों की वस्तुएं समान ही हैं, एक जैसी ही हैं। लेकिन अब डिफरेंस क्या आएगा कि अगर आपको सूर्य को मजबूत बनाना है खा पी कर, तो आपको ये प्रयोग करना है रविवार के दिन, और मंगल ग्रह को मजबूत बनाना है तो ये प्रयोग करना है मंगलवार के दिन। क्या करना है, रविवार के दिन या मंगलवार के दिन आपको लाल कलर का खाना खाना है, जैसे कि लाल फल खा लिए, लाल सब्जी खा ली। अब लाल सब्जी में क्या क्या आ गया, टमाटर आ जाते हैं, मिर्ची आ जाती है, या फिर गुड़ हो गया, और उसके बाद लाल मसूर की दाल हो गई। तो इसी तरीके से जो भी खाद्य सामग्री का कलर लाल हो, आपको रविवार को खाना है सूर्य के लिए और मंगलवार को खाना है मंगल के लिए। देखिए, थोड़ा सा स्पेशल टॉपिक है ये, आपको लगेगा कि सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, पहली बार हो सकता है आप सुन रहे हो कि खाने पीने की चीजों से भी क्या प्रभाव पड़ेगा। आप यकीन मानिए, बिल्कुल प्रभाव पड़ने वाला है। जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं, कस्टमर हैं, जिनसे हमने ये प्रयोग करवाया है और वो प्रयोग बिल्कुल सक्सेसफुल रहा है, 45 दिन में बहुत बढ़िया उन्हें रिजल्ट मिले हैं, और उनका कहना है कि ये प्रयोग काम करता है, ये एक्चुअल में इफेक्ट करती है चीजें, इसलिए हम आपके सामने वीडियो लेकर आए हैं। इसका प्रैक्टिकल पहले कर लिया गया है, उसके बाद ही ये वीडियो लेकर आपके सामने आए हैं। होता क्या, देखिए, उस ग्रह को, उस ग्रह के वार को अगर आप उससे जुड़ी चीजें करने लग जाएंगे, तो उस दिन, उस ग्रह के दिन को पूरे दिन उस ग्रह का ओरा बना होता है, एक उसका पूरा होरा भी बना होता है और ओरा भी बना होता है। देखिए, होरा और ओरा, इन दोनों में फर्क होता है, इसका वीडियो हम आपके सामने जरूर लाएंगे आगे चलकर। अभी आप ये समझ लीजिए कि एक इसको इजी भाषा में समझिए कि वो दिन होता है उस ग्रह का, तो पूरे दिन उस ग्रह से कंट्रोल होती है हमारी लाइफ। तो अगर हम उस पर्टिकुलर दिन में उस ग्रह से जुड़ी चीजें करते हैं तो वो हमारे जीवन पर प्रभाव डालती है। एक बार में, एक दिन में ये प्रयोग करने से नहीं होगा, आप इसे करते जाइए, करीबन एक महीना करिए, दो महीना करिए, आपको इफेक्ट इसके दिखने लग जाएंगे। मतलब करीबन 45 दिन हो जाएंगे तो इसके इफेक्ट आपको दिखेंगे। तो सूर्य के लिए लाल चीजों का सेवन करिए, लाल सब्जियां, लाल फल, लाल दाल, ये खाना है। चंद्रमा की बात करते हैं। अब चंद्रमा और शुक्र ग्रह के लिए एक ही उपाय होने वाला है, क्योंकि दोनों का कलर सफेद होता है, तो दोनों के लिए हम सफेद चीजें खाएंगे, जैसे चावल हमने खा लिए, उसके बाद खीर बना के खा ली, दूध पिया, दूध जरूर से पीना है सोमवार के दिन और शुक्रवार के दिन, अगर आपको इन ग्रहों को मजबूत बनाना है। देखिए, चंद्रमा को स्ट्रांग करना है तो सोमवार के दिन आपको सफेद चीजें खानी है, शुक्र ग्रह को स्ट्रांग करना है तो शुक्रवार के दिन खानी है। इसके बाद सफेद मिश्री हमने खा ली, उसके बाद दूध से बनी जितनी भी चीजें हैं, दही हमने खा लिया, तो ओवरऑल आपको दूध से बनी चीजें और सफेद चीजें खानी है। सफेद फल भी आप खा सकते हैं और सफेद तरह की कुछ भी सामग्री अगर आपके पास है तो आप खाइए, दूध से बनी चीजें जरूर से खाना है। स्पेशली मैं बार बार यही बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ईजी हो जाएगा आपको खाना और आप बिल्कुल इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, चंद्रमा और शुक्र के लिए ये हो गया। अब आते हैं बुध ग्रह के लिए। बुध ग्रह को अगर आपको खाने पीने की चीजों से स्ट्रांग बनाना है तो आप हरी चीजों का सेवन करिए, बुधवार के दिन हरी दालें खाइए, हरी साग सब्जियां बहुत सारी होती है वो आप खाइए उस दिन, हरे फल खाइए और इसी तरीके से हरी चीजों का सेवन करिए, इससे बुध ग्रह स्ट्रांग बन जाएंगे। गुरु ग्रह पे आते हैं। गुरु ग्रह के लिए पीली चीजों का सेवन करिए गुरुवार के दिन,
हल्दी हो गई, उसके बाद केले हो गए, हरी दाल यानी कि जो सॉरी पीली पीली दाल जो कि तुअर की दाल होती है वो आप खाइए। पीला खाना आपको खाना है गुरुवार के दिन, इससे गुरु ग्रह मजबूत हो जाएंगे। इसको थोड़ा सा और डीप में ले जाते हैं। देखिए जो दूध होता है, दूध में अगर आप हल्दी डालकर पियेंगे तो वो दूध पीला हो जाएगा, तो यहाँ पर वो दूध आपके गुरु ग्रह पे काम करने लग जाएगा। साथ में इसका एक फायदा और होने वाला है, गुरु ग्रह से संबंधित और चंद्रमा को मिलकर जो युति और दृष्टि से एक राजयोग बनता है कुंडली में, बहुत ही शानदार अच्छा बहुत ही राजयोग होता है जिसका नाम है गज केसरी राजयोग, जिसमें चंद्रमा और गुरु की दोनों की युति हो जाती है, उनकी दृष्टि संबंध बन जाता है। तो चंद्रमा का सफेद कलर और गुरु का पीला कलर, तो चंद्रमा का दूध ले लीजिए और गुरु की हल्दी ले लीजिए, दोनों को मिक्स कर लीजिए और गुरुवार के दिन इसका सेवन जरूर कीजिए, इस दूध को जरूर पीजिए। इससे क्या होगा, आपकी कुंडली में अगर गज केसरी योग बन रहा है तो वो जागृत हो जाएगा, नहीं भी बन रहा है तो दोनों ग्रह जब काम करना शुरू कर देंगे तो गज केसरी आपकी कुंडली में अगर बाय बर्थ नहीं भी बनकर आया है तब भी ऑटोमेटिकली दोनों ग्रह राजयोग बना देंगे और आपको लाभ देना शुरू कर देंगे। तो ये प्रयोग आपको करना है गुरुवार के दिन, ठीक है। अब गज केसरी अगर गुरुवार को बन रहा है तो गज केसरी मंडे को भी बन सकता है, तो सोमवार को भी जो आप दूध पी रहे हैं उसमें हल्दी डाल लीजिए, तो गज केसरी आपको मंडे को भी बन जाएगा और गज केसरी गुरुवार को भी बन जाएगा। तो पीली चीजों का यहाँ सेवन करना है। केसर को ले आप ले लीजिए, केले हैं केले आप खा लीजिए, केसर भी उस दूध में डाल सकते हैं, केसर अलग से खा सकते हैं, तो यहाँ पे गुरु ग्रह पे प्रभाव डालेगी वो चीज। अब आते हैं शनि ग्रह पे, राहु ग्रह पे और केतु ग्रह पे, तीनों की एक ही वस्तु है। आप कोई भी काली चीज खाइए, जैसे कि कोई काली दाल हो, काले तिल हो, काली कोई ऐसी सब्जी हो, काला कोई भी पदार्थ खाने का हो, उसके बाद केतु ग्रह के लिए राहु ग्रह के लिए आप मटमेला कोई भी पदार्थ खाइए, जैसे कि कोई भी ऐसा फल हो जिसका कलर स्लेटी हो, ग्रे हो, मटमेला कलर हो, ऐसा कोई भी मतलब हमारी जो उड़द की दाल होती है या काली दाल होती है, तुअर की जो जो काले तिल की दाल होती है, तो ऐसे काला पदार्थ आपको खाना है, उससे आपके शनि राहु केतु ग्रह स्ट्रांग बन जाएंगे। तो इस तरीके से आप खाने पीने की चीजों से भी अपने ग्रह को स्ट्रांग बना सकते हैं, लेकिन इसी पर डिपेंड मत रहिएगा। सबसे पहले आप उस जिस ग्रह को आपको स्ट्रांग बनाना है, जन्म कुंडली का अध्ययन करवाने के बाद उस ग्रह का रत्न पहनिएगा, उस ग्रह की आप माला पहनिएगा, उसके साथ साथ एक सपोर्टिंग के तौर पर आप ये खाने पीने वाला उपाय भी कर सकते हैं, ताकि क्या होगा कि आपकी उपाय की गुल्लक जल्दी से भराएगी। देखिए उपाय हम जो भी करते हैं वह गुल्लक के समान होते हैं, यानी कि एक जो गुल्लक है और हमारे जो 4 से 5 तरह के उपाय हैं, जैसे कि दान करना, रत्न पहनना, माला पहनना और बीज मंत्र का जाप करना, तो ये जो चारों उपाय हैं इसमें से आप जितनी जल्दी अगर आप सारे उपाय करेंगे तो जो गुल्लक है उपाय की वो जल्दी 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 भराएगी, पर्टिकुलर कोई एक उपाय करेंगे तो जो गुल्लक है उपाय की वो देर से भराएगी, बिल्कुल प्रैक्टिकल और लॉजिकल बात है। तो यहाँ पे अगर आप सिर्फ ये सोचेंगे कि खाने पीने से आप ग्रह को स्ट्रांग बना ले तो गुल्लक आपकी बहुत देर से भराएगी और बहुत देर से इफेक्ट होगा, लेकिन इफेक्ट जरूर होगा। तो साथ में रत्न रुद्राक्ष भी धारण कीजिए, बीज मंत्र का भी जाप कीजिए और खाने पीने के हिसाब से भी यहाँ पर आप उसे अपनाइए। तो इस तरीके से आपको ये पूरी प्रोसेस करना है। आशा करते हैं आपको इजी तरीके से ये प्रोसेस समझ में आ गई होगी। कमेंट में अपनी बात जरूर लिखिएगा, व्हाट्सएप नंबर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इस पर भी अपनी बात हमें पहुंचाइएगा और ये प्रयोग शुरू कर दीजिए। मेरा नाम है रवि पवार, आप देख रहे हैं हमारा चैनल आरएसपी वर्ल्ड। ये वीडियो आपको दिल से पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, जय माता दी, ओम नमः शिवाय। अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं और ओरिजिनल राशि रत्न और रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। वेलकम टू आरएसपी वर्ल्ड। ज्योतिष, आध्यात्म, वास्तु, फेंगशुई, कलर एंड स्टोन थेरेपी की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कीजिए। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट में अपनी बात जरूर लिखें। थैंक यू।